बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। आओ अपने घर की दीवारों को सजाएं, लेके मेरे चैनल का नाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो वॉल डेकोरेशन के लिए आपको एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ, तो मेरे घर की एक वॉल तो सज गई बट एक वॉल अभी भी कुछ खाली खाली लग रही है। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं उससे रिलेटेड एक क्राफ्ट वर्क कर दूँ। तो आज मैं आपके लिए एक अगेन नया वॉल डेकोरेशन क्राफ्ट लेके आई हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ कलर पेपर्स लिए हैं। प्रीवियस वीडियो वाला हमारा सिर्फ दो कलर का कॉम्बो था, ब्लैक एंड रेड, बट आज वाला थोड़ा हम कलरफुल बनाएंगे। तो मैंने येलो, रेड, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, पर्पल कुछ कलर पेपर्स ले लिए हैं। ये ब्रश, ये पेंट लिया है मैंने एक्रेलिक का, क्योंकि हमें पेड़ के स्टेम को पेंट करना होगा तो हमने उसके लिए पेंट लिया है। ये मैंने मिरर लिया है फ्लावर्स के डेकोरेशन के लिए, फेविकॉल, सीजर। और ये आज मेरे पास हार्ड शीट नहीं थी, इसलिए मैंने ये मेरे पास जो अवेलेबल था पर्पल कलर का, ये मैंने चार्ट पेपर लिया है जो कि हार्ड है। तो इफ अगर आपके पास हार्ड शीट अवेलेबल हो देन इट्स बेटर, इट्स अप टू योर चॉइस, आपको जो भी लेना है, बस हमें ऊपर से ब्लैक कलर करना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सो हमारा ये मैंने स्टेम पहले से इसमें ड्रॉ करके रखा है, आप देख सकते हैं इसको। अब मैं इसको अच्छे से कट करूंगी इसके शेप में। सो हमारा ये स्टेम और ब्रांच जो भी आप कहना चाहें ये कट हो गया है। अब हम इसमें ब्लैक पेंट करेंगे क्योंकि हमें ब्लैक कलर चाहिए इसका। तो ये पेंट करते करते हमारा थोड़ा टेबल भी गंदा हो गया है, तो हम इसे भी साफ कर लेंगे। और ये ऑलमोस्ट हो चुका है एंड इट्स डन, आप देख सकते हैं इसको। अब जब तक हमारा ये ड्राई होगा यानी ये सूखेगा तब तक हम अपनी बाकी की प्रिपरेशन करते हैं। अब हमें बर्ड्स बनाना है तो हम दो बर्ड बनाएंगे, एक पर्पल और पिंक कलर का, और उसके अंदर हम लोग फिनिशिंग देंगे ब्लैक कलर के चार्ट पेपर से, तभी हम ड्रॉ करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है बर्ड का, इसे हमें कट करना है। और सेम इसी आपको पैटर्न का पिंक कलर में भी बर्ड बनाना है। तो अगर आप अपने घर को भी सुंदर बनाना चाहते हैं तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, ताकि आप भी देख सकें कि ये कितना अच्छा वॉल डेकोरेशन बन के आएगा और आपका घर भी ऐसे ही सुंदर लगेगा। सो ये हमारा पर्पल कलर का कट हो गया, अब हमें इसे पिंक कलर में ड्रॉ करना है। लाइक दिस इसे कट करेंगे। सो हमारे ये दो बर्ड्स के आउटर शेप जो बोलेंगे वो रेडी हो गया है। अब हमें इसके अंदर के लिए एक ब्लैक कलर का स्टिक करना है इसका पार्ट। तो हमें सेम शेप का बट इससे छोटा, हमें सेम ये शेप, आउटर जो शेप है वो सेम होना चाहिए बट इससे थोड़ा स्मॉल साइज का ब्लैक कलर के चार्ट पेपर पे ड्रॉ करना है। ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। और हमें ऐसे दो चाहिए क्योंकि हम दो बर्ड्स बना रहे हैं। सो ये ड्रॉ हो गया। अब आपका काम ज़्यादा ना बढ़े तो आप इसको ऐसे दो, ऐसे एक फोल्ड कर दीजिए और आप इसे कट कर लीजिए, तो आपके एक साथ दो कटआउट्स निकल जाएंगे। ये हमारा रेडी हो गया। अब हमें बनाना है बर्ड का टेल, तो हम उसे ड्रॉ करेंगे। इसको भी दो फोल्ड कर देना ताकि आपका काम और आसान हो जाए और आपको एक साथ दो मिल जाए। सो हमारा ये टेल भी रेडी हो गया है। अब हमें बनाना है बर्ड्स बीक यानी चिड़िया की हमें चोंच बनाना है और हमें इसके लेग्स बनाने हैं। तो पहले हम बनाएंगे लेग्स। तो हमारे पास दो बर्ड्स हैं तो एक की दो पैर होंगे, तो हमें चार बनाने हैं। तो आपको नॉर्मली बस एक सिलेंड्रिकल शेप का डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको इसी चार्ट को चार फोल्ड कर देना है ताकि आपका एक साथ चार कटआउट हो जाए। डन। और हमें चिड़िया का बीक बनाना है, तो आपको ये कॉर्नर साइड से इस तरीके से एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है और इसे भी हम लोग फोल्ड कर देंगे हाफ हाफ, तो हमें दो इसके कटआउट्स मिल जाएंगे।
सो हमारा बर्ड का सारा पार्ट रेडी है, अब हमें इसे स्टिक करना है। तो सबसे पहले ये ब्लैक वाला पार्ट हम लोग सेंटर में जो स्टिक करेंगे, आपको ये शेप को मैच करते हुए इसे परफेक्ट एकदम फिनिशिंग देना है। डन। अब हम इसकी बीक लगाएंगे। इसको डाउन करते हुए अब इसका लगेगा टेल। डन। अब हम इसके लेग्स को लगाएंगे। ये इसका एक लेग लगा और ये दूसरा। थोड़ा सा आपको बीच में डिस्टेंस रखना है। सो हमारा ये एक बर्ड रेडी हो गया है। इसकी एक ऐसे आपको पतली सी नॉर्मल आई बनानी है। ये मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है, मैं इसको अभी स्केच से कर देती हूँ और हमारा ये बर्ड रेडी हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको दूसरे बर्ड में भी करना है। सो हमारा बर्ड बन गया है। अब हमें बनाने के लिए पेपर लिया है, इसको मेरे को इस तरीके से आपको फोल्ड करना है सेंटर में से और आपको एक लीफ का डायग्राम ड्रॉ करना है लाइक दिस। देन अब आपको इसे कट कर लेना है। सो आपको ऐसा कटआउट करने के बाद लीफ मिलेगा। तो आपको इसके लीफ के कटआउट्स ऑलमोस्ट 20-25 बनाने हैं। और आप जो भी लीव्स कट करेंगे तो आप ये सेंटर में से जो उसे फोल्ड कर रहे हैं ये आप ज़रूर करें, ताकि ये थोड़ा दीवार पे वॉल पे लगने के बाद थोड़ा 3D इफेक्ट दे। मैं बाकी की लीव्स कट कर लेती हूँ। हमारे बाकी के लीव्स भी कट हो गए हैं। बर्ड्स आर रेडी, फ्लावर्स ये लीव्स आर रेडी। अब हमें फ्लावर बनाना है, तो उसके लिए पहले पेपर और आपको फ्लावर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा अच्छा भी बनना चाहिए। आपको इसे पहले एक फोल्ड करना है, फिर आपको सेंटर में से ये दूसरा फोल्ड करना है। डन। फोल्ड नंबर 1, 2, देन यू हैव टू फोल्ड इट लाइक दिस। फोल्ड नंबर 3। अब आपको यहाँ पे पेंसिल से एक लाइट सा ये सेमी सर्कल ड्रॉ करना है लाइक दिस और अब हम इसे कट करेंगे। सो आफ्टर कटिंग व्हेन यू ओपन दिस आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर मिलेगा। रेडी। अब हमें इसी शेप का एक छोटा फ्लावर कट करना है। तो ये मैंने एक छोटा सा पेपर लिया है, आपको इसको फोल्ड कर लेना है। सेम फोल्ड करना है आपको, सेम प्रोसेस होगा क्योंकि ये छोटा पेपर है तो ऑफकोर्स इससे छोटा फ्लावर बनेगा। तो अब हम इससे एक छोटा सा कट करेंगे, सेम जो आपने प्रीवियस फ्लावर में बनाया था सेम उसी शेप का, बट ये थोड़ा छोटा होगा। सब हम इसे ओपन करेंगे और ये हमारा फ्लावर का सेकेंड पार्ट इसमें रेडी हो गया। आपको इसको पेंसिल से थोड़ा इस तरीके से फोल्ड कर लेना है ऊपर की तरफ, ताकि थोड़ा फ्लावर खिला खिला लगे और इसका लुक अच्छा है इस तरीके से। और नीचे फ्लावर को आपको एज इट इज़ रहने देना है। तो अब हम इसे स्टिक करेंगे। लाइक दिस। और अब सेंटर में एक मिरर लगेगा इसके। अगर आपके पास पर्ल है, मोती है, अगर कोई आप स्टोन लगाना चाहें, ग्लिटर पेपर, आप वो भी लगा सकते हैं। ये मैंने इसके सेंटर में मिरर लगा दिया। सो हमारा ये फ्लावर रेडी हो गया है। अब हमें इसे सेम दो कलर का, यानी रेड और येलो, एक येलो हमने बनाया है तो येलो का हम दो और बनाएंगे और रेड का 3। सो टोटल हमें 5 फ्लावर्स चाहिए, तो मैं वो बनाती हूँ। तो हमारे बर्ड्स रेडी हैं, फ्लावर्स रेडी हैं, लीव्स रेडी हैं। अब हमें इस वाले वॉल डेकोरेशन में हम बर्ड्स को पेड़ पे नहीं बैठा रहे हैं, हम उसे एक झूले पे बैठाएंगे। तो अभी हमें झूले के लिए एक स्मॉल शेप का कटआउट बनाना है, पर्पल कलर का बनाना है, कोई भी कलर का आप बना सकते हैं।
सो आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम बनाना है लाइक ऐसे करके, आपको एक नॉर्मल सा ड्राइंग करना है। अब हम इसे कट करेंगे। सो मैंने आपके सामने पहले बोला था कि मैं पर्पल कलर का झूला बना रही हूँ, बट जब पर्पल कलर पे हम अपने पिंक और पर्पल कलर के बर्ड्स बैठा रहे थे तो वो सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अब ये ग्रीन कलर लिया है, लाइट ग्रीन कलर मैंने इसका झूला बना दिया। अब हम अपने सारे जो हमने डायग्राम्स बनाए, जो भी हमने कटआउट्स बनाए हैं, उसे हम अपने जो हमने पेड़ का कटआउट बनाया था उसमें प्लेस करेंगे और अपना फाइनल टच देंगे इस वॉल डेकोरेशन को। हमें लीव्स को स्टिक करना है, जो हमारा ये ब्रांच है हम लोग इस पर लगाएंगे, और हमारे बाकी के जितने लीव्स हैं आपको इस पेड़ पे जहाँ जहाँ पे भी सूट करे आपको वहाँ पे इसको स्टिक करना है, तो मैं बाकी की भी ऐसे स्टिक कर देती हूँ। देयर यू गो, मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट वॉल डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है। सो हमने ये लीव्स को स्टिक करने के बाद ये जो हमने फ्लावर्स बनाए थे उसके ऊपर स्टिक किए हैं, बाकी के जगह पे जहाँ जहाँ पे हमने लीव्स बनाए हैं वहाँ पे स्टिक किया है, जहाँ पे मैंने फ्लावर्स स्टिक नहीं किया वहाँ पे मैंने ये मिरर स्टिक किया है। तो आप अगर इसकी जगह पे पर्ल क्राफ्ट पेपर या ग्लिटर पेपर जो भी ले रहे हैं आप वो स्टिक कर सकते हैं। ये मैंने अच्छे से जो हमारा ये झूला बना था उसको बना के उस पर हमारे दो बर्ड्स को स्टिक कर दिया, एंड यहाँ पे एक छोटा सा हार्ट शेप लगा दिया। एंड क्योंकि मेरा ये वॉल थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसे थोड़ा और कवर करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने साइड में कुछ स्माइलीज बना दी हैं, यहाँ पे सैड हैप्पी लव वाली इमेजेस की स्माइलीज, एंड सेम मैंने स्माइलीज इसके अपोजिट साइड में भी बनाया है, यू कैन सी दैट। तो अगर आपका वॉल बड़ा है तो आप इसे भी बना सकते हैं, और अगर आपका ये बस छोटे से क्राफ्ट में वॉल कवर हो जा रहा है तो आप उसे भी बना सकते हैं। और ये मैंने कुछ बटरफ्लाइज बना दी दो, और सेम मैंने अपोजिट साइड में बटरफ्लाई बनाया है, तो और ये हमारा वॉल कंप्लीट हो गया। तो इफ़ यू लाइक माई आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप मेरे साथ तक लास्ट तक बने रहे मेरा ये क्राफ्ट वर्क देखने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये क्राफ्ट वर्क पसंद आया सो प्लीज़ कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्राफ्ट वर्क विद मी।